अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रत्येक वर्ष के भांति पूरे देश में व प्रयागराज 3 सितंबर को व्यापारी दिवस के रूप में मनाया गया। जिलाध्यक्ष लालू मित्तल ने बताया, इस वर्ष अत्यंत गौरवशाली अपना 30वां स्थापना दिवस व्यापारी सम्मान विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारी दिवस घोषित किए जाने पर लालू मित्तल ने इसे व्यापारियों की बहुत बड़ी जीत के रूप में बताया। संगठन लगातार व्यापारियों के सम्मान स्वाभिमान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल की अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से मजबूती से मांग करता रहा। जैसे कि देश में शिक्षक दिवस, डॉक्टर दिवस, शहीद दिवस आदि 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 अनेक दिवस मनाया जाता है, परंतु व्यापारी दिवस कभी नहीं मनाया गया। जबकि व्यापारी ही देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है और व्यापारी की देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी है। नगर महानगर अध्यक्ष नीरज जायसवाल ने इसे सम्मान का प्रतीक बताया और 15 व्यापारियों को माल्यार्पण करके सम्मान पत्र प्रदान किया। जिला प्रभारी विपिन गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के संदेश को समस्त व्यापारियों तक पहुंचाने एवं उसका अनुसरण करने की अपील की। महिला जिला अध्यक्ष रत्ना जायसवाल ने इस विशेष अवसर पर 20 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का पुण्य कार्य प्रारंभ किया, जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव व नीलम ने अन्वी स्वयं सहायता समूह के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना का साक्षात प्रदर्शन करके दिखाया। महिला महानगर अध्यक्ष स्वाति निर्खी ने मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी छोटी गुरु माँ का अंग वस्त्रम पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं व्यापार मंडल महानगर का विस्तार किया। और साथ ही साथ जीवन को संचालित करने वाली दिशा देने वाली। साथ ही साथ महानगर अध्यक्ष स्वाति निर्खी ने छोटे व्यापारियों से जोड़ने की एक मुहिम की घोषणा की, जिसके तहत शिकायत पेटिका रखवाने का कार्य किया जाएगा। यह शिकायत पेटिका प्रत्येक रविवार को खुलेगी तथा इसमें पड़ी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। आज हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल का 30वां स्थापना दिवस समारोह था और इस स्थापना दिवस समारोह को व्यापारी दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया है और सारे भारत में ये व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं और महिला व्यापारियों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और जैसा कि ये था कि पहले पुराने जमाने में व्यापार में पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आज का समय बदल रहा है। आज के समय में महिलाएं भी उतनी ही सशक्त भूमिका में आ गई हैं जितना कि पुरुष हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मंडल से भी महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमने ये आज घोषणा की है कि हम छोटे व्यापारियों से जुड़ने के लिए हम शिकायत पेटिका लगवाएंगे। यदि वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके बीच में एक कार्य होगा कि जब आप अपनी शिकायतें शिकायत पेटिका में डालेंगे तो वो हमारे संडे संडे वो पेटिका खुलेगी और उसका निराकरण होगा। सभी छोटे बड़े सभी व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण। कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाए गए थे, बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने यहाँ पर बनाए हैं जो कि बहुत गाँव के थे और कुछ कमाई नहीं थी। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव में रहने वाली महिलाओं में आज भी बहुत पिछड़ापन है, आज भी उनको घर से निकलना अलाउड नहीं है। इसलिए हमारी एक संस्था ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको ट्रेन किया है, उनको उनके स्वावलंबी बनाने के लिए उनको बाज़ार से कम रेट पर वो पैकेट्स मिलेंगे। चना दाल ये सारी चीज़ें जो है वो पैकेट में पैक की गई हैं और बाज़ार से कम रेट में और बहुत ज़्यादा सफाई के साथ वो आपको उचित मूल्य पर। महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। हाँ, महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। हमारी जो महिलाएं को हमेशा से सम्माननीय है और आज हमने उनको सम्मानित इसलिए किया है कि वो घर गृहस्थी के अलावा भी बहुत एफर्ट लेंगे, वो सारी चीज़ें करके वो यहाँ पे अपना टाइम दे रही हैं, अपने व्यापार में अपना टाइम दे रही हैं, तो महिलाओं को सम्मानित। अंत में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर छोटी गुरु माँ ने कार्यक्रम की साधना करते हुए व्यापारियों को समाज का एक आवश्यक अंग बताया। छोटी माँ ने सभी व्यापारियों को सम्मान पत्र देकर आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमें देख के बहुत खुशी होती है कि वैसे तो हम लोग बहुत अपने भारत में जैसे बहुत जगह पे मैं रही हूँ, मगर जो चीज़ मैंने यहाँ अपने प्रयागराज में देखा है कि यहाँ हर फेस्टिवल
इतनी अच्छी तरह से मनाया जाता है, इतनी सुंदर तरीके से कि प्रयागराज को सजा दिया जाता है, तो ये देख के बहुत खुशी होती है। मगर आज पहली बार मैंने ये देखा है कि व्यापारी दिवस हमारे प्रयागराज में मनाया जा रहा है और ये 30वां व्यापारी दिवस है। तो आज यहाँ हमारे प्रयागराज के बहुत व्यापारी जितने भी अध्यक्ष हैं, मैं बहुत सबका सभी का नाम नहीं जानती, मगर सारे एकजुट होकर महिलाएं पुरुष सभी मिलकर यहाँ पे आज व्यापारी दिवस मनाया जा रहा है। और आज मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसे ही हमारे भारत का नाम रोशन हो, क्योंकि हमारे ये बीजेपी में जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जब से उनका चरण हमारे यूपी में पड़ा है, तो यहाँ अब तो लगता है कि थोड़ा हमारे जो एक हमारा सनातनी धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसमें अब हमें थोड़ा लगता है कि अब हमें डर नहीं है, कि अब हम खुल के जीवन जी सकते हैं, है ना। और मैं दिल से यहाँ पे आज आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपने हर कार्य को आगे बढ़ाइए, और जितने भी हमारे व्यापारी भाई बहन यहाँ आज उपस्थित हैं, आप सभी के कारोबार में बरकत हो, आपको भगवान खूब कमाई दे, खूब बरकत हो, और आप भी खुश रहिए। आप लोग दिल से हमारा आशीर्वाद।